तो बस बोर्डिंग पास हमें मिल गया और सामान हमने दे दिया सारा। अब हम जाते हैं वेटिंग एरिया में, जाके वेट करेंगे वहाँ पे। अभी भी फ़्लाइट में 2 घंटे बाकी हैं, नेक्स्ट अपडेट वहाँ पे दूंगा तुम लोगों को। गेट नंबर B4 है हमारा, B नहीं मिल रहा मुझे, ये तो ये है B4 आई थिंक, हाँ B उस साइड पे है, ये A है पीछे। ठीक है बस अब जाते हैं। तो B गेट मिल चुका है, इस पे लिखा होता B, जाके बैठते हैं वहाँ पे। फ्लाइट में अभी भी टाइम कोई है, 2 घंटे हैं, 2 घंटे में क्या करेंगे हम, कुछ खा लेंगे तो एयरपोर्ट देख लेंगे, क्या करना है यही करना है। उफ, बड़ा चलना पड़ता। आ गया B गेट आ गया। ये जो सडन प्लान बनता है ना पाकिस्तान का ट्रैवल का, सडन प्लान ये बेस्ट प्लान होता है। अकेले ट्रैवल करो तो और मज़ा आता है। तो मेरा सडन प्लान बना है वहाँ किसी को सरप्राइज़ भी देना है। किसी को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, किसी को ये पता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं सो रहा हूँ। ओके सरप्राइज़ देंगे जाके, रिएक्शन दिखेंगे फिर क्या रिएक्शन होता है। B4 कहाँ हो, अभी भी चलना पड़ना है, आगे है बहुत। ये B1 आया अभी। अब अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना, मज़ा उसी का आता है ज़्यादा। पाकिस्तान जाके सरप्राइज़ देंगे। फाइनली गेट हमारा आ गया, गेट की तरफ चलते हुए जा रहे हैं हम। ये बहुत लंबा है, कतक एयरपोर्ट बहुत प्यारा है लेकिन चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे। थके हुए पहले आए हैं सऊदीया से, बराबर। ये गेट 3 आ गया था पीछे, ये गेट 4 आ गया। यार गेट उन्होंने अभी तक बंद किया हुआ, सही है। तो इनको पता नहीं था शायद कि मैं आ रहा हूँ, तो अभी जो है ये लोग गेट ओपन करेंगे क्योंकि इनको पता चल गया कि मैं आ गया हूँ। जब तक गेट ओपन होता है हम लोग थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। आया तो बहुत दफ़ा हूँ लेकिन कभी ऐसे घुमा नहीं कि क्या क्या यहाँ पे है। फ्लाइट का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है ना। यहाँ पे काफ़ी एक पार्क भी बनाई मैंने, जू भी है यहाँ पे, वो नहीं देखा मैंने आज तक, वो देखना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग जब भी ट्रैवल करो तो ये ध्यान रखा करो, गेट अक्सर चेंज हो जाते हैं। मेरे साथ भी 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, गेट चेंज हो जाते हैं बोर्डिंग पास के बाद। बोर्डिंग पे तो लिखा होता गेट फलां फलां फलां, लेकिन गेट जो है वो चेंज हो जाता है कभी कभी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो भी ट्रैवल करता है उसके लिए। एक मेरी तरफ से फ्री एडवाइस, तुम लोग बताओ, फ्री एडवाइस तो मैं देता रहता हूँ, तो ये आज की एडवाइस यही है फ्री। बस अब वेट कर रहे हैं, बोर हो रहा हूँ साथ, थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो किसी को पता नहीं कि मैं सो रहा हूँ, ये बहुत मस्त काम हो गया, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया ये। किसी को पता मैं सो रहा हूँ, बहुत थका हुआ आया था सऊदीया से, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। पैडिक पहनी हो जब तो कोई स्पेशल मोमेंट होता है, जब मैंने पैडिक पहनी हो ना समझ जाओ कोई स्पेशल, कुछ स्पेशल होना जा रहा है। बैठ के बस अब वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी 2 घंटे बाकी हैं, मैं गेट जो है ना ओपन हो गया, तो बस अब जाते हैं अंदर, जाके बैठते हैं सुकून से। फिर अभी भी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा भी गुजर जाएगा, चलते हैं अंदर, बहुत हो गया। जहाँ पे बैठ चुका हूँ मैं, ठीक है, थका बहुत हूँ मैंने, इसमें फुल सो देना बस। जा रहे हैं
ठीक है, हम पहुंच चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। सरप्राइज टाइम, किसी को नहीं पता कि मैं आया हूँ, आ रहा हूँ। सबको ये पता, सो रहा थका हुआ आया था, सो रहा। जी आगे रखूँगा मैं, चलिए जी। एक छोटा शॉपर भी होगा ये, ठीक है। एक दो तीन चार, तो जो है मैं रात को घर पहुंच गया था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरे ख्याल से 2:30 बज गए थे। घर में सब सो रहे थे, तो खैर दरवाज़ा भी कोई नहीं खोल रहा था, पता नहीं था इस टाइम किसी ने आना है। खैर खोल दिया दरवाज़ा उन्होंने, तो घर वालों का तो ऑब्वियसली शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि मैंने आना है। तो जो रिएक्शन था इनका, वो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सका, लेकिन वो मुझे हमेशा याद रहेगा। अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन जो होता है, आपको पता ही है, आप लोग सब समझदार हैं। थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि स्पेशल डे है भाई साहब, हम लोग आए हैं। अभी तो एनर्जी लेवल डाउन है, लेकिन अभी अप हो जाएगा। अभी खाना खाना खाएंगे ना ज़रा हैवी, तो देसी खाने का अपना मज़ा भाई। इधर देसी फूड ही खाओ आके, जब भी आओ पाकिस्तान देसी ही खाओ, देसी का ही मज़ा है। और ये चीज़ बड़ी मिस की है मैंने, नाज फेवरेट है मेरी। अजा किस कदर क्यों, जरा रुक यार।